स्टार्टेड। Organs of the government. Traditionally, there are three main organs of the government of a country. Legislature, whose function is to make laws and amend them or repeal them. amend them or repeal them. पहला ऑर्गन क्या है? लेजिस्लेचर। फंक्शन क्या है लोगों का? लॉ बनाना, उसको चेंज करना या तो उसको डिलीट कर देना। रिपील माने डिलीट करना। व्हाट इज सेकंड ऑर्गन? एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट्स एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेट्स लॉ. व्हिच इंप्लीमेंट्स एग्जीक्यूट्स और एडमिनिस्ट्रेट्स लॉ। एडमिनिस्ट्रेट्स प्लीज लॉ. रीड व्हाट इज देयर ऑन द पेपर। यू हैव टू हैव द कॉन्सेंट्रेशन। एग्जीक्यूटिव क्या है पढ़िए फिर से। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स विच इम्प्लीमेंट्स एग्जीक्यूट्स और एडमिनिस्टर्स लॉ. और एडमिनिस्ट्रेट्स लॉ। थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी जुडिशियरी। हुज फंक्शन इज टू इंटरप्रेट एंड एनफोर्स लॉ एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस. हुज फंक्शन इज टू इंटरप्रेट एंड एनफोर्स लॉज एंड टू एडमिनिस्टर जस्टिस। तो ये पहले आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो प्लीज रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। While these three organs are the principal organs of the government of the country, स्लो, थोड़ा स्लो। its constitution may also provide for the creation of other organs or institutions which it may consider as significant and fit for inclusion in the constitution. पढ़िए। For example, the Constitution of India provides for the setting up of finance commission for the settlement of the distribution of revenue between the center and the state as a whole and between the state interests. इंटर से, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर वेल दीज थ्री ऑर्गन। ये थ्री ऑर्गन तो है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, बट इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए और भी ऑर्गन और भी इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। उसे एग्जाम्पल क्या दिए? फाइनेंस कमीशन। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। डज एनीवन नो व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल नंबर 280। How many of you are making notes? Notes बना रहे क्लास में? क्लास की आप? Yes, sir. So, article number 280 in our constitution, finance commission का article number क्या है? Constitutional reference क्या है? Article number 280. Exam में आपको math the following आता। different constitutional bodies दे देता हूँ और he will ask you to match। For election commission है, article number 324. फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल नंबर 280, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या है? आर्टिकल्स मैच करो बोलता हूँ। क्लियर है पॉइंट? तो इसका काम क्या है फाइनेंस कमीशन का? फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। माने जितना पैसा आ रहा, आप और मैं टैक्स भर रहे, वो टैक्स एक फंड में जा रहा, वो फंड को कैसा बांटना, वो पैसे कैसा बांटना, वो सब किसका काम है? ये रिकमेंडेशन देने का। Whose work is this? Finance Commission. Finance Commission का काम है। Article number क्या है Finance Commission का? 280. Between the center and states and a whole and between the center interest, between the states interest, माने central government से तो state government को आती, फिर state government के बीच में बांटना रहता ना। For example, 40 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपीज है, 40 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए, 60 रुपीज स्टेट्स को दे दिए। अब स्टेट्स के बीच में बांटना रहता, उसको बोलते हैं स्टेट्स इंटर से। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ को। द गवर्नमेंटल ऑर्गन्स ओ देयर ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम एंड डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है, कितने कौन से ऑर्गन्स है स्टेट के गवर्नमेंट के? लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव। इन लोगों का क्या है, पूरे एक लेवल पे है, याद रखिए। इन लोगों का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं है। इन लोग क्या पूरे एक लेवल पे है और ना पूरा काम किसके अंडर करते? फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से बड़ा है, ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से बड़ा है, ना लेजिस्लेचर जुडिशरी से बड़ा है, ना जुडिशरी
लेजिस्लेचर से बड़ी है, ये सब एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन आ गया? सुप्रीम कौन है? द सुप्रीम पावर इन इंडिया इज द पीपल, लोग हैं। लोग क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन दे दिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी अथॉरिटी पूरे ऑर्गन्स को आ रही। क्लियर है पॉइंट? हुई सुप्रीम यस इन सर, इंडिया पीपल, पीपल क्या करे, पीपल एक डॉक्यूमेंट दे दिया, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से थ्री ऑर्गन्स आ रहे, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। और इसके साथ ही ना पूरे काम कर रहे। क्लियर है पॉइंट ये? यस सर, ओके यस सर। ओके, प्लीज रीड नेक्स्ट। नन ऑफ द ऑर्गन्स इज सॉवरेन। द सॉवरन, वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, सॉवरन, सॉवरन माने इंडिपेंडेंट। ये लोग कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये लोग तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही चाहते। तो व्हाट, नन ऑफ द ऑर्गन्स इज सॉवरन। प्लीज रीड। The validity of a law, whether passed by the Union Parliament or a स्लो state स्लो स्लो स्लो, legislature, is judged with the reference to their respective jurisdiction as defined in the Constitution. The judiciary is vested with power to declare a law unconstitutional if the law is found to have contravened a provision of the Constitution. प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड चेक एंड बैलेंस सिस्टम। व्हाट इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम? माने अगर तीनों एक ही लेवल पे है, तीनों एक ही लेवल पे है, अगर लेजिस्लेचर कुछ गलती करा तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट रोक देती है उसको। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ गलती करा तो लेजिस्लेचर रोक देता, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलती करा तो लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट रोक सकते। तो ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, चेक एंड चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक बैलेंसेस। है। तो मैं ब्रेक डाउन नहीं होना, ठीक है। अगर कोई लॉ पास करी पार्लियामेंट और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखे कैंसिल कर सकता। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दिया और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा, तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको उल्टा कर सकती, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम। कोई भी ऑर्गन किसी से बड़ा नहीं है इधर। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? यस। ओके करीब नेक्स्ट। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हीकल ऑफ अ नेशंस प्रोग्रेस। इट इज अ लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट। ए इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेंडेड टू सर्व बड़ी बड़ी It is intended to serve the needs of the day when it was enacted and also to meet the needs of the changing conditions in new circumstances. It has thus been said that the words and expression used in the Constitution have no fixed meaning and must receive interpretation based on the experience of the people in the course of working of the Constitution. A constitution is thus said to be a living and organic document, which of all instruments has the greatest claim to be construed broadly and liberally. Construed broadly and liberally. Being a living organ, it is ongoing, and with the passage of time, law must be changing. Horizons of constitutional law, it is said, are expanding. It is required to be kept young, energetic, and alive. Political, social, and economic developments can throw light on its meaning. So, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा ही आपको किसी को पूछना है या किसी को बताना है और बहुत डिटेल में जाना है, तो एक पैराग्राफ समझा दो, ठीक है ना, चले जाता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ लिया बोले, ठीक है, परफेक्ट समझ में आ जाता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हीकल ऑफ नेशंस प्रोग्रेस। अपन आगे बढ़ना है तो अपने क्या होना, इट इज लाइक आप लोग शेड्यूल बनाते हो, अपना टाइम टेबल बनाते, यस सर, कल क्या करना है बोल के, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अब एग्जाम से पहले क्या आप किसको ज्यादा टाइम देते, सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते आप?
और एग्जाम के बाद एंजॉयमेंट को ज्यादा टाइम देते, टाइम पास को ज्यादा टाइम देते, तो टाइम पास करना है भी उसको टाइम देना पड़ता। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द व्हीकल ऑफ नेशंस प्रोग्रेस, इट इज अ लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट। अब क्या है, देखिए अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, व्हेन डिड वी स्टार्ट, 26 जनवरी 1950 के दिन विद इफेक्ट फ्रॉम हो गया, ठीक है। लेकिन कितने साल हो गए, 74th रिपब्लिक डे मनाया अपन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि भाई वो टाइम पे अलग था कंडीशंस आपके। डू यू हैव पीपल इन योर होम, दादा दादी नाना नानी, व्हेन दे वर यंग? यस सर। तो वो टाइम का पूछो एक बार, क्या टाइम था, इफ दे रिमेम्बर। तो वो टाइम में और आज टाइम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अपना अपन 75 इयर्स में अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, याद रखिए। उसमें क्या थोड़े थोड़े चेंजेस करे। अगर आपको पूछे अमेंडमेंट कितने बार करे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने, 105 मरतबा करे अमेंडमेंट्स, ठीक है। सक्सेसफुल अमेंडमेंट्स कितने बार करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 105 times। So I will advise you to please take the constitution copy. A constitution copy आपको next week आपके हाथ में रहना, ठीक है। Whenever I start the class, I want you to have a constitution copy in front of you. Articles के हिसाब से पढ़ा, constitution का reference you should have your highlighter with your constitution copy. How many of you know High Court? High Court मालूम है आप लोगों को? Yes, sir. So please go to the High Court in front. There will be Asia Law House. Jaake Constitution copy diyo bolu. Give my reference. So make okay, sure sir. That next week when we start the class on Thursday at 3:30 at 4 o'clock, we shall be doing the Asia Law House. Okay. So Constitution kya hai? It is a living document. Wo kya hai? Time ke mutabik चेंज करते रहना पड़ता, अदरवाइज इट विल ब्रेक। जो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता उसमें खत्म हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट विच हैज टू बी चेंज विद टाइम टू टाइम, इतना दिखा रहा और कुछ नहीं। क्लियर पॉइंट समझा? यस सर। सो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक एक एक, एक पैराग्राफ अगर लिखो बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है। The constitution is a, why a constitution is a living document? Uska ek paragraph answer hai. How many of you are CEC? Civics pad rahe? I am. Haan, jo bhi civics pad rahe, usme agar aapko ek question hai, what, why constitution is a living document bolte? Ek paragraph aapko answer mil jaye aapko. Batti maan lo, likh do. Final exams mein. Kul marks aate. Theek hai? So. Understood this? Why constitution is a living document?